सकती है। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं नींद पर, लोगों को कई बार परेशानी होती है, खासतौर से आज की लाइफस्टाइल ऐसी है, भागती दौड़ती दुनिया में आगे बढ़ने की होड़ है, लोगों की नींद उड़ रही है। और हैरानी की बात तो ये हो जाती है कि नींद नहीं आना अब एक सामान्य बीमारी का रूप ले चुकी है। आज हम आचार्य जी से जानेंगे कि क्या नींद का ज्योतिषीय कनेक्शन भी होता है। आचार्य जी, जी देखिए, नींद का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से न केवल गहरा संबंध है, अपितु मन एवं शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता से भी इसका सीधा संबंध है। नींद की प्रसन्नता से भी गहरा संबंध होता है। यदि आपको अच्छी नींद नहीं आती तो सब कुछ होने के बाद भी मन में उमंग व उत्साह का अनुभव नहीं होगा और न ही आप कुछ कर पाने में समर्थ हो पाएंगे। नींद का न आना इंसोमिया नामक बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम कैसे जानें कि हमें यह बीमारी हो सकती है और इसका निदान क्या हो सकता है। देखिए, नींद न आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिष में स्पष्ट रूप से जब आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा व वायु तत्व, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा जो मन का कारक है और वायु तत्व का संतुलन जब बिगड़ता है तो आपको नींद में समस्या पैदा हो सकती है, किसी न किसी रूप में निश्चित ही पैदा होगी। वायु तत्व के बिगड़ने का मूल कारण मिथुन राशि, तुला राशि एवं कुंभ राशि में पाप ग्रह का होना होता है और इसके स्वामी की दुर्बल अवस्था है। देखिए, फिर से मैं बताऊं, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि और इनके स्वामी जब कभी भी पापाक्रांत हुए, दुर्बल हुए, तो निश्चित रूप से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि किसी न किसी रूप में आप नींद की समस्या से त्रस्त हो सकते हैं। वहीं चंद्रमा का दुर्बल होना भी वायु तत्व के संतुलन में गंभीर समस्या पैदा करता है, क्योंकि वास्तव में चंद्रमा मन का नेतृत्व करता है और नींद का संबंध भी मन से होता है। जितना बेहतर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा होगा उतना ही आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। तो आचार्य जी, राशिफल के बाद में अब बात जरा नींद की कर लेते हैं। आपने नींद नहीं आने का ज्योतिषी कनेक्शन तो बताया, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग नींद नहीं आने से परेशान हैं, उन्हें उपाय क्या करने चाहिए। जी आइए अब बात करते हैं कि यदि आप किसी भी तरह से नींद की समस्या से ग्रस्त हो तो आपको क्या करना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा निर्बल अवस्था में हो तो आपको पूर्णिमा का व्रत बेहद लाभ पहुंचाने वाला सिद्ध होगा। यदि कुंडली में चंद्रमा योगकारी होकर निर्बल हो तो मोती भी बहुत ही सहायता प्रदान कर सकता है। वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला एवं कुंभ के स्वामी ग्रह जैसे बुध, शुक्र एवं शनि पर गंभीर विचार आवश्यक होता है और आप किसी भी योग्य ज्योतिषी से विचार करा लीजिए और इन राशियों के दुर्बल होने पर या इनके स्वामी के दुर्बल होने पर इनका अवश्य उपचार करिए। वह व्रत के रूप में हो, रत्न के रूप में हो, करिए अवश्य। इससे आपके शरीर में वायु तत्व संतुलित हो जाएगा और आपको बहुत सुखद नींद आएगी। वायु तत्व के स्वामी ग्रह या राशियों से संबंधित मंत्र, रत्न, उपवास या दान से आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं अपनी नींद की समस्या। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि देसी गाय के घी के अंदर वायु तत्व को संतुलित करने की अद्भुत क्षमता होती है। कैसे भी नींद की समस्या हो, आप रात को सोते समय घी का एक बूंद दोनों नाक में डालिए और बहुत हल्के से खींचिए। ध्यान रखिएगा, तेजी से बिल्कुल नहीं खींचना है, अन्यथा हानि हो सकती है। सोने से कम एक घंटा पहले आप अपने घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज जो हैं टीवी, मोबाइल आदि का प्रयोग निश्चित ही बंद कर दीजिए और यह सुनिश्चित करिए कि घर में किसी भी प्रकार की गंदगी न हो और न ही बिस्तर के नीचे अनाप समान समान रखे हो। आपके सोने का कमरा पूर्ण रूप से स्वच्छ होना चाहिए। मुख्य रूप से बेडशीट हल्के रंग की साफ सुथरी बिछी हो तो बहुत ही उत्तम होगा। सफेद
अथवा बहुत हल्का नीला या हरा रंग विशेष सहायक होता है। इसी के साथ साथ कमरे में चंदन अथवा गुलाब की खुशबू हो तो और बेहतर होगा। सोने से पहले कम से कम भोजन 2 से 3 घंटा पहले करने का नियम बना लीजिए और बिस्तर पर जाने के पहले हाथ पांव अच्छी तरह अवश्य पोंछकर तब नींद का प्रयास करें। जी अब आपसे जानना चाहेंगे लोगों को नींद की समस्या से निजात दिलाने वाला महामंत्र क्या है आज? जी, नींद की कितनी भी समस्या हो, किसी भी प्रकार से यदि आप अनिद्रा के शिकायत वाले हैं तो आप इस महामंत्र को नोट करिए। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमस्ते। इस मंत्र का रात को सोते समय मन में जाप करते हुए सोने का प्रयास करिए, निश्चित ही गहरी नींद आएगी और आप स्वस्थ एवं प्रसन्न रहेंगे।